नोट्स भी। अच्छा, ओके, कल भूल गया, अभी मैं भेज दूंगा आज के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कहानी। हमें दिख रहा है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, दैट दिस वन ईस्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अपने को दिख रहा है, तो ये बात तो क्लियर है कि भैया इसका कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कार्बन। लेकिन एक बात हमको और भी पता चल रहा है कि ये रिंग के जस्ट बाहर में है, रिंग के जस्ट बाहर में है। और हमने पढ़ा था कि रिंग के जो जस्ट बाहर होता है उसके लिए आप स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल कीजिए और रिंग को मानिए आप पेरेंट चेन। और अगर मैं रिंग को पेरेंट चेन मानू तो ऐसे मन में सोच के देखो, मैंने पहले ही बोला था कि जो बाहर वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे प्रायर मानना है, उसका कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिंग वाली कहानी में या पिछले वाले कहानी में भी हमने ये समझा था कि वो जिससे जुड़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन हो गया, बिल्कुल एल्कोहल के जैसा या ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जैसा जिनमें खुद का कार्बन नहीं होता, वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। मतलब एक बात जो समझ में आया इस रिंग में, अब चूंकि ये कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रिंग को हमने मान लिया पेरेंट चेन। चलिए अब आगे की कहानी सोचते हैं। अगर ये अपने पास एक नंबर कार्बन है तो इधर चलेंगे तो अपने को दो नंबर पे एक ब्रांच मिलेगा, इधर भी चलेंगे तो दो नंबर पे एक ब्रांच मिलेगा। लेकिन इधर चलेंगे तो अगला जो ब्रांच है अपने पास वो ध्यान दो तो 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे मिलेगा, और इधर से चलेंगे तो थर्ड नंबर पे ही मिल जाएगा। मतलब एक बात अपने को और भी समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि थर्ड ब्रांच इधर से पहले मिल रहा है, इधर से जो है वो काफी लेट मिल रहा है। चलेगा क्या इस नंबरिंग तक में? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो कि नंबरिंग समझ में नहीं आया, वापस से बात करूं मैं। कोई ऐसा इसको लगता है नंबरिंग में दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब इसके बाद एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला CH3। देखो क्योंकि ये CH3 आपके मेन फंक्शनल ग्रुप का ब्रांच है तो इसके बारे में सबसे पहले लिखा जाएगा। ये बात दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए कि ईस्टर का जो ईस्टर में जो जुड़ा हुआ ओ से कार्बन होता है इसके बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं। मतलब ये सबसे पहले अपने पास लिखाएगा दैट इज मिथाइल। उसके बाद जितने ब्रांचेज उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। चलिए तो ब्रांचेज कौन कौन सा है? इथाइल, इथाइल हाइड्रोक्सी, दो नंबर तीन नंबर पे इथाइल, तो बस लिखना शुरू करते हैं 2,3 डाई इथाइल। डैश 6 हाइड्रोक्सी डैश, अपने पास 2 डिग्री प्रीफिक्स हो चुका, 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो हेक्स, और हमको पता ही है साइक्लो हेक्सेन ही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे तो साइक्लो हेक्सेन पूरा ही लिख लेते हैं यहीं पे। और लास्ट में स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे दैट इज कार्बोक्सिलेट। चलेगा क्या? चलेगा? किसी को इसमें कोई दिक्कत है फटाफट से देख के बताओ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। सर एक बार ये बताना, 8 कब लगता है? फिर से बताओ, 8 कब आता है सर? 8 कब आता है? ऐसा थोड़ी है मैंने यूज किया कार्बोक्सिलेट, ये पूरा कार्बोक्सिलेट है, और कार्बोक्सिलेट तब यूज होता है जब अपने पास जो पेरेंट चेन है, जो ईस्टर है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो अगर रिंग के जस्ट बाहर या फिर स्ट्रेट चेन में मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किया गया। स्पेशल सफिक्स वाला केस है ये, दो ही केस तो पड़े, या तो साइकिल के बाहर हो और या तो स्ट्रेट चेन में बहुत बार इस्तेमाल किया गया हो, ओपन चेन में बहुत बार इस्तेमाल किया गया हो। डन है क्या? यस सर। चलिए बढ़िया, हेलो बहुत। हाँ जी बेटा बोलो। सर। हेलो हाँ बोलो। सर। हेलो सर। सर ये हाँ जो आवाज आ रही है। CH3 है मिथाइल, ये जो ईस्टर में ईस्टर हेलो सर। बिल्कुल ईस्टर में है, बिल्कुल ईस्टर में है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि ईस्टर में नहीं है, ईस्टर में है, लेकिन वो तो फिर आपने ईस्टर उसको का मेन पहले ब्रा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं इस चीज को ऐसे आता हूँ।
मैं एक सिंपल से ईस्टर के नोमेनक्लेचर पे आता हूं, एकदम सिंपल सा ईस्टर। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ जुड़ा मान लो है OH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, पेरेंट चेन अपने पास कौन बन जाएगा, दिस विल बी द पेरेंट चेन। नंबरिंग करें अगर इसमें हम, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। नाम कैसे लिखेंगे, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी पेंट एंड 8 पेंट एंड 8 पेंटानो सॉरी पेंट एंड ओ 8 दैट इज पेंटानोएट। तो मैं इसका नाम लिखता, अब तुम मुझे देख के बताओ कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ब्रांच में किसका नाम लिखा, मिथाइल का। अगर ये ना भी होता हाइड्रोक्सी तो भी हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, मिथाइल का। इसीलिए मिथाइल का नाम लिखते हैं क्योंकि ये जो मिथाइल है अपने पास, ये अपना मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्ट ब्रांच है, और मेन फंक्शनल ग्रुप का जो डायरेक्ट ब्रांच होता है उसको हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं। डन है क्या? चलेगा, जल्दी से बताइए मेरे को। यस सर। चलिए बढ़िया। सर मेन चेन में से OH को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे इथाइल ग्रुप से? बिल्कुल नहीं। एक बात देखो, OH कितना भी है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, वो आपके पेरेंट चेन में किसी एक पोजीशन पे लगा है। मिथाइल का, मैं जब मिथाइल लिख रहा हूँ तो उसका उसमें कोई नंबरिंग नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब वो देख के ही पता चल रहा है कि उसमें नंबरिंग नहीं दिया या कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि हम जो भी, अच्छा देखो, एक बचपन में एक नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे, मैं उस पर भी आता हूँ, सबसे सिंपल नॉमेनक्लेचर पे। टेंथ क्लास में आपने इस नॉमेनक्लेचर को पढ़ा होगा, हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इथाइल इथानोएट। समझ में आ रहा है क्या पूजा? यस सर। अब मुझे एक बात बता बेटा कि क्या हम इसको इथाइल बोलते हुए कोई नंबरिंग देते हैं? नो सर। बिल्कुल, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि इसको चूंकि नंबरिंग नहीं देते हैं, ये ब्रांचों, देखो ब्रांच में भी अगर हम प्रायोरिटी लगाए ना, तो ब्रांच के प्रायोरिटीज में ये सबसे ऊपर प्रायोरिटी में बैठा हुआ है, इसीलिए इसको नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। चला गया। चलो अब थोड़ा सा अगर ये कसर हो रहा है, जैसे ब्रांच ऊपर, हाँ ब्रांचेज में ना, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का ब्रांच है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ब्रो, सर ये वाले OH की बात नहीं कर रही मैं, जो हेक्सेन, हेक्सेन से जुड़ा हुआ है ना OH, हाइड्रोक्सी, उसके लिए बोला था मैंने, जैसे अल्कोहल ग्रुप की तरह अगर वो वर्क करेगा तो। इसको बोल रहे हो? हाँ यस सर। देखो अच्छा एक बात बताओ, हम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप जब डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फर्क पड़ता है क्या कि ब्रांच में कौन सा वाला ब्रांच है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है? नो सर। उसके बाद तो सारे नॉर्मल ब्रांच ट्रीट होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं एक ऐसे काम करता हूँ, मान लो यहाँ पे अपने पास सी एच ओ है, यहाँ भी अपने पास सी एच ओ है, यहाँ पे मान लो ओ एच जुड़ा हुआ है, और मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या लगता है पूजा, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? ये तो बड़ा दुख वाली क्वेश्चन आ गया। हाँ बताओ पूजा। लेफ्ट से करेंगे। क्यों भाई लेफ्ट से करेंगे? चलो ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन, पूजा यहाँ ध्यान से सुनिए बेटा, ये दोनों कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, दोनों एल्डिहाइड है, पक्का? yes, है। जब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना, तो बेटा ये जो कार्बन जिसकी आप चिंता कर रहे हैं ना, ये सिंपली एज अ ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और जब ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये दोनों कार्बन सेम है, मैं इधर से नंबरिंग करूं तो भी एक नंबर मिल रहा है, इधर से नंबर करूं तो भी एक नंबर मिल रहा है, इधर से चलो तो भी इसका 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे ये आ रहा है, इधर से भी चलो तो भी अपने पास वही आ रहा है, 6ठे नंबर पे आ रहा है। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा दोनों तरफ से,
उसके बाद हम सीधे आते हैं डबल बॉन्ड पे, और हम डबल बॉन्ड चेक कर रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं तो अपने पास डबल बॉन्ड आ रहा है दो नंबर, और इधर से चल रहे हैं तो अपने पास डबल बॉन्ड आ रहा है चार नंबर पे। हम सीधा बोलेंगे कि भैया नंबरिंग अपनी इधर से होगी, क्योंकि उसके बाद इस OH की वैल्यू उतनी ही है जितनी एक मिथाइल की वैल्यू है, जितनी एक इथाइल की वैल्यू, जितनी एक क्लोरीन की वैल्यू, उससे ज्यादा इसका एक रत्ती वैल्यू नहीं है। डन है क्या? क्लियर है। चलो थैंक यू सर। ओके, और कोई है जिसको इसमें दिक्कत है जल्दी से बताओ मुझे। चलो, और मैं तो सोचा था कि थोड़ा आऊंगा साइक्लिक में, बट नहीं, अब थोड़ा एक आध और क्वेश्चन दे दूंगा मैं। चले, करो ट्राई करो थोड़ा सा, जैसा अभी क्वेश्चन दिया था एग्जैक्ट में वैसा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जो फंक्शनल ग्रुप का रहता है ना सब। चलिए फटाफट से इसका नाम लिखिए, तो इस कंपाउंड का नाम लिखिए। अच्छा, नंबरिंग इसमें किधर चलेगा, लेफ्ट से कि राइट से? पहले ये बताओ मुझे, नंबरिंग लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे? लेफ्ट से। भाई साहब बहुत 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 लोग, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, बहुत सारे हैं सर। राइट से। राइट से होगा, राइट से होगा, एग्जैक्टली। ठीक है, समृद्धि ओन इस्तेमाल होगा क्या बेटा? और कार्बन डाइहाइड क्यों यूज? अच्छा, कार्बन डाइहाइड चाहो तो यूज कर सकते हो, मना नहीं है वैसे, कर सकते हो, बट ओन यूज होगा क्या? पुराने वाले से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें दोनों यूज कर सकते हो, न्यू नोमेनक्लेचर, ओल्ड नोमेनक्लेचर, जैसे मन कर वैसे यूज करो, उसमें कोई समस्या नहीं है। न्यू ओल्ड जिससे लिखना है लिखो, बस सही होना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मार्क कर लिया दोनों के दोनों, दोनों इंपॉर्टेंट है, पैरेंट चेन में आना चाहिए, ओल्ड के हिसाब से चल रहे हैं, पैरेंट चेन में आना चाहिए। अब चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, दोनों ही केस में अपने पास आएगा ही आएगा, और दोनों का पोजीशन भी वो सेम ही आने वाला है, इधर से 1 7 1 7 वही आने वाला है। ठीक है, चलो अब इससे नंबरिंग पता नहीं चल रहा है। फिर आते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे, 1 2 3 तीन नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड, यहां चलते हैं 1 2 3 4 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड। हमको समझ में आ गया कि भैया जिधर से तीन नंबर पे मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, मतलब ये कहानी बिल्कुल क्लियर है कि अपने पास कहानी चलेगा 1 2 3
चार, पांच, छह और सात, सॉर्टेड है मामला। अब अपने पास है सात कार्बन का पेरेंट चेन, छह नंबर पे लगा है ऑक्सो, तो हम लिख सकते हैं सिक्स ऑक्सो हेप्ट थ्री इन वन कॉमा सेवन डाई अल। ये ओल्ड नोमेनक्लेचर हो गया, न्यू के हिसाब से चलते तब क्या करते, देखो नंबरिंग वैसी चलनी है, बस एक नंबर यहां शुरू हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, तो एक दो तीन चार पांच, तो न्यू के हिसाब से करते तो हम ऐसे बोलते फाइव ऑक्सो हेप सॉरी पेंट टू इन वन कॉमा फाइव डाई कार्बल डिहाइड। ठीक है, कीटोन है टर्मिनल चेन पे, कैसे कीटोन, और सानिया समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो बेटा, कीटोन कहाँ स्टार्ट और एंड पे दिया है, कीटोन तो बीच में दिया है, सीएचओ के बगल में दिया है, तो सर फॉर्माइल और कीटो कब लगाना है और ये ऑक्सो कब लगाना है। अच्छा फॉर्माइल कीटो ऑक्सो का कष्ट है, देखो कीटोन में तो हमेशा, ये कीटोन है, कीटोन में तो हमेशा ऑक्सो लगेगा, इसमें तो निश्चिंत होकर लगा। ठीक है, फॉर्माइल वाला जो कष्ट है ना, मैंने एक बार बताया था शुरू में ही, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं, चलो अब देखो मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा बेटा, एक बार ऑडियो ऑन कर लो, मैं समझा देता हूँ इसमें कब लगेगा फॉर्माइल कब लगेगा कीटो, मैं पूछूंगा बता दोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा कहानी। ठीक है, सामिया ये बताओ बेटा कि इसमें नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूं, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं। सर कीटोन को तो टू देते हैं ना, नंबर वन नहीं देते कभी भी। वो तो ठीक है, बट यहाँ पे तो अल्डिहाइड है, यहाँ तो अल्डिहाइड लिया, कीटोन में तो ऑक्सो आएगा, उसका लोड ही नहीं है, मेन लोड है अल्डिहाइड का। ओके सर, पूजा अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती है। सामिया एक बार ऑडियो ऑन करो बेटा, मुझे बताओ लेफ्ट से चले राइट से चले। राइट से सर, लेफ्ट राइट राइट सर। ठीक है थ्री। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर जाऊं कि सीधे इधर लेफ्ट चले जाऊं, तीन नंबर से ऊपर जाऊं या लेफ्ट जाऊं? सीधे सर, सीधे, बढ़िया, चार पांच छह। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ जो सी एच ओ है इसका कार्बन क्या आपका पेरेंट चेन में आया क्या? नहीं आया। जब अल्डिहाइड एज अ ब्रांच हो और इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया तो इसके लिए यूज करते हैं फॉर्माइल। डन है क्या? Yes, sir. अब यही इसी से मिलता जुलता एक केस और दे रहा हूं, सेम यही कहानी है, एक दो तीन चार पांच छह। अब हमारे पास अल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन में आ जा रहा है। Yes, sir. तो इस केस में चूंकि अगर इसको तुम तोड़ के देखो, स्ट्रक्चर तो ऐसे बना दिया, बट अगर तुम इसको तोड़ के देखोगे तो ये तोड़ के कैसे है, ये दिखेगा आपको ऐसे C डबल बॉन्ड O H। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भैया अपने पास है छह नंबर पे लगा हुआ, दैट इज ऑक्सो, ना कि फॉर्माइल। डन है क्या? तो इस केस में अपन इस्तेमाल कर लेंगे ऑक्सो कितने नंबर पे, छह नंबर पे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर्माइल कितने नंबर पे, तीन नंबर पे, चलेगा क्या? Yes, sir. चलिए बढ़िया, और किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है पूछ लो अभी, कोई ऐसा नॉवेल क्लेचर जो आपको लगता है कि अगर ऐसा बना दे उसमें ये कर दे तो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा केस दिमाग में आ रहा है पूछ लो पहले, फिर ही आगे बढ़ेंगे। सर ये जो सिक्स वाला कार्बन है इसको पेरेंट चेन में नहीं लेंगे? कौन से सिक्स वाले कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लिया? बिल्कुल लिया है। ओके सर, नहीं लिया पेरेंट चेन, हाँ ये लिया ना छह नंबर तक, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। नॉमेनक्लेचर कौन से प्रायोरिटी में फॉलो करे, ओल्ड या न्यू? पूजा ओल्ड या न्यू दोनों ही केस में तो प्रायोरिटी कहाँ बदली है, जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे ना तो ऑप्शंस में देख लो कि ओल्ड दिया है या न्यू दिया है,
जनरली दोनों एक साथ पूरे करेक्ट नहीं देता, कोई एक ही पूरा करेक्ट देगा, या तो ओल्ड वाला पूरा सही देगा या न्यू वाला पूरा सही देगा। फिर भी अगर ऐसा केस आ गया ना कि दोनों एकदम 100% करेक्ट है, गो फॉर न्यू। अगर ऐसा ही आ गया कि एकदम 100% ओल्ड और न्यू करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, गो फॉर न्यू। ठीक है, और कोई दुख है यहां तक में? तो एक काम और करते हैं थोड़ा सा, अब जस्ट मिनट, सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा सा अमाइंस के नोमेनक्लेचर पे आ रहा हूं मैं। कार्बोनिलहाइड का कहां यूज करेंगे भगवती? फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। भगवती ऑडियो ऑन करो, बताओ क्या बोल रहे हो। अच्छा कार्बन डिहाइड है, कार्बन एल्डिहाइड लिखा है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन थोड़े से अमाइंस के नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, तो मान लो किसी ने बोला कि भैया इसका नाम लिखो, इसका नाम बड़े प्यार से लिख लोगे, कैसे बोलोगे? आईयूपीएसी नेम इथेन अमाइन। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इथेन अमाइन। किसी को इसमें दिक्कत लगे तो फटाक से बोलो भैया कोई समस्या है तो। देखो बच्चों वाला है इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे रहा इसको लिखने में, इथेन अमाइन में, बट अगर दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लो। बड़े आगे? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अब अपने पास मान लो कि इसी में ब्रांच कर देता तो क्या करते हैं? मान लो ऐसे कर दिया CH3 CH2 NH CH3। अब बोलता है इसका नाम लिखो, कुछ नहीं करना, आपने को ये देखना है कि सबसे बड़ा ब्रांच क्या है, ये दो कार्बन का, ये एक कार्बन का, हमें दिख रहा है ये बड़ा ब्रांच चेन, ये अपने पास ब्रांच ट्रीट होगा। लेकिन जब ब्रांच ट्रीट होगा तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये ब्रांच जो है ये आपको जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो फिर इस केस में हम क्या कहते हैं कि इसका सब कुछ लिखो जैसे नॉर्मल नोमेनक्लेचर लिखाएगा, बस ब्रांच का जो नंबरिंग है उस नंबरिंग की जगह आपको नाइट्रोजन लिखना है। मतलब ऐसे लिखेंगे एन मिथाइल इथेन अमाइन। चलेगा क्या? कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। सर स्क्रीन लैग कर रही है, स्क्रीन लैग कर रही है। अभी ठीक है, देख लो, हो सकता है इंटरनेट थोड़ा यहाँ पे दिक्कत देता है। यस सर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब मान लो इसी में किसी ने कह दिया कि भैया इसका नाम लिखो जरा। हाँ CH3 CH2 N CH3 CH3 बड़े प्यार से इसका नाम लिखो। ठीक है, आसान सा है लेकिन मजा आएगा इसका नाम लिखने में। ठीक है, पहले वाले का नाम लिखो फिर दूसरे वाले का नाम लिखना। पहला वाला बिल्कुल आसान है, पहले मेहनत लगेगा। लिखो पहले वाले का नाम लिख के भेजो फिर दूसरे वाले का लिखना। बढ़िया सामिया, बहुत अच्छे। पहले वाले का नाम लिखिए, जब पूछूंगा तब दूसरा वाला बताना, एक मिनट का टाइम है, पहला लिख लो। ठीक है चलो, तो सारी जनता लगभग अनिशा एक बार ध्यान रखो बेटा, दो मिथाइल है दोनों एन से लगा। एन इज लाइक सिंपल नंबर, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर जैसे
वैसे एन है, तो दोनों सी एस थ्री एन से लगाया तो हम सिंपली बोलेंगे दैट इज एन एन डाइमिथाइल। ठीक है, अगला लिखो, नेक्स्ट वाला। चलो पहला वाला सही है बिल्कुल, लगभग लोगों का एन एन डाइमिथाइल अमाइन। समृद्धि एक बात बताओ, क्या मिथाइल हम दो बार अलग अलग लिख सकते हैं क्या ब्रांच में? रिशु बोचे, लेकिन फिर वही बात है कि क्या हम दो बार मिथाइल लिखे? डाई मिथाइल फिर मिथाइल। सामिया ठीक है, बट हम आइसोब्यूटेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन नेम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सही है गलत नहीं है, बट ठीक है। रोहित बहुत अच्छे है। ओ रोहित गड़बड़ की हो, पैरेंट चेन का नाम गड़बड़ लिखा है। इथेन कैसे हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा ना। हरिओम बहुत अच्छा। चलो तो भैया यहाँ ध्यान दीजिए सारे लोग, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये अपने पास होने वाला है पैरेंट चेन। इस चेन में अगर नंबरिंग करें तो ये एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर, क्योंकि अपने पास ये लगा हुआ है अमाइन एक नंबर पे। ठीक है, इस अमाइन से दो ब्रांच जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों मिथाइल है, और इस दो नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे इसको इस तरीके से एन एन थ्री सॉरी टू ट्राई मिथाइल। ठीक है, और इसके बाद की कहानी एज इट इज रख दो, प्रोपेनामाइन बात खत्म। प्रोपेनामाइन बिल्कुल बिल्कुल ही वैसे ही है जैसे ईस्टर वाली कहानी थी। ईस्टर में भी तो क्या होता था कि ईस्टर में बस एक ही ब्रांच होता था, इसमें दो ब्रांच है। बस यही फर्क है कि ईस्टर में अपने पास एक ही ब्रांच होता था वो से जुड़ा हुआ, इसमें दो ब्रांच जुड़े हुए, बाकी तो सारी कहानी सेम ही है। डन है क्या? यस सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अमाइन पे, फिर थोड़ा सा आएंगे साइक्लो बाई साइक्लो पे। लिखो इसका नाम, एक सेकंड, एक और चीज। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, जहां जहां पे सात टर्न्स है, जहां एंड है वहां कार्बन है, बात खत्म और गया। से डरोगे तो ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे बेटा?
लकी जिंदगी में डराने के लिए बहुत लोग आएंगे, जो लोग आएंगे आज से 10 साल 12 साल 15 साल बाद उनसे डरना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब बैंड बाजा लेके जाओगे तब डराने वाली चीजों को लेके आओगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं सामिया, देखते हैं अपन फटाफट से और लोगों को लिखे अंदर एक बार। चलिए ठीक है, तो अपन आते हैं। पहले यहाँ पे दिख रहा है अपने को अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, अपने पास पेरेंट चेन क्या रहने वाला, तो ये अपने पास पेरेंट चेन रहने वाला है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, हमने उसे यह दिख रहा है यही अपने पास पेरेंट चेन रहने वाला, इसी से जुड़ा हुआ अमाइन है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे इस पेरेंट चेन में, तो ये भी अपने को बड़ा सीधा सीधा सा दिख रहा है कहानी कि भैया ये कार्बन एक नंबर होगा, ये दो तीन, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये एक साइक्लोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दोनों है, साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, तो अपन कैसे लिखें, एन साइक्लोप्रोपाइल, देखना साइक्लोप्रोपाइल ना साइक्लोप्रोपेन, ब्रांच है ना ये प्रोपाइल, उसके बाद एन मिथाइल, ठीक है। उसका छह कार्बन का पेरेंट चेन था, हेक्स एक नंबर पे इन था, इन और उसके बाद अमाइन, चलेगा क्या, एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो बताओ फटाफट से। एन मिथाइल एन साइक्लोप्रोपाइल हेक्स सिक्स इन, सिक्स इन कैसे हो जाएगा गुंजन, वन इन होगा ना, हम तो ट्राई करेंगे ना कि मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले, पहले कब मिल जा रहा है, एक नंबर पे ही मिल जा रहा है, देख लो किसी को इसमें समस्या लगे फटाफट से बताओ, अपन बात करेंगे वापस से इसमें। सर ये आगे पीछे कर सकते हैं ना, पहले मिथाइल लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है साइक्लोप्रोपाइल में साइक्लो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा डिक्शनरी में? ओके सर, क्लियर है सर, ठीक है बढ़िया। बाकी देखो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं सच बताऊं तो बहुत सारे बुक में तुमको दिखेगा कि ये जो लिखने वाली है ना अल्फाबेटिकली, लिखने वाली नॉमेनक्लेचर वगैरह में नहीं, बस लिखने में अल्फाबेटिकली कभी आगे पीछे कर देते हैं, तो उसको दिल से नहीं लगा लेना कि भैया नहीं दिया तो हम करेंगे कि नहीं नहीं हम गलत क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नहीं मिले दिल से नहीं लगाना उसको, ठीक है। चलो जहां दिल लगाना वही दिल लगाएंगे, कहीं आलतू फालतू जगह नहीं लगाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट है, उसके बाद अपन आ जाएंगे साइक्लिक वाले पे। एक जस्ट मिनट, लिखे इसका नाम, लिखे फटाफट से। Thank you.
बहुत अच्छा रिशु। गुंजन ठीक है, बट थोड़ा सा सही से करो उसको। बढ़िया रोहित। चलिए तो लगभग सारी जनता लिख चुकी है, अपन इसको रैप अप करें। देखो ये पेरेंट्स इनकंसिडर होगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, इधर अल्केन है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इधर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर, दो नंबर, ये हो गया ब्रांच, इस ब्रांच का नाम आ जाएगा तीन कार्बन तो प्रोपाइल, इस ब्रांच का नाम आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, और ये तो हमको दिख रहा है इथीन, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो फटाफट से अपन इसका नाम लिख लेंगे, दैट इज एन मिथाइल एन प्रोपाइल एथ इन अमीन, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पे। देखो पहले तो बाई साइक्लो कंपाउंड्स बोलते किसको है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हुए हैं, जैसे जिसमें दो कार्बन जो है एज अ ब्रिज काम करे, मतलब दो रिंग का कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, दो रिंग बोला है मैंने। अच्छा, हो सकता है कि जो बीच में जो आपको ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज पे भी कार्बन, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां ब्रिज पे कार्बन नहीं हो सकता, जैसे इस केस में हो सकता है किसी केस में ऐसा हो, बट आपको मोटे तौर पर कहानी यही है कि दो आपको रिंग के बीच में अगर दो कॉमन कार्बन आपको एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। एग्जांपल के लिए मान लो एक और भी ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, दिस इज आल्सो बाईसाइक्लो। ठीक है, कैसे? तो दो रिंग अपने पास, देखो एक रिंग ये वाली चीज, ठीक है, और एक रिंग ये वाली चीज। ठीक है, तो कहता है कि जब आपके पास दो रिंग जो है वो कनेक्टेड है, उसमें दो कॉमन कार्बन है, दो कार्बन अगर आपके पास फ्यूज्ड है, कॉमन है, तो हमने बोला कि दैट इज बाईसाइक्लो। अब इसका नेमिंग होता कैसे? देखो इसका नेमिंग जो है नॉर्मल नोमेनक्लेचर जैसे होता है वैसे ही होता है, बाकी कोई बहुत अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जितने ब्रिजेज हैं उन ब्रिजेज पे जितना कार्बन है उसको भी मेंशन करके लिखना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखना है मुझे, तो इसमें कैसे नेमिंग करेंगे? तो पहले तो देखो ये पूरे कितने कार्बन है, तो हमको दिख रहा है भैया इधर में अपने पास छह हैं और इधर में अपने पास चार हैं। ठीक है, तो कहानी इसी कैसे शुरू होगी, जरा इसको समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी ये। ठीक है, तो देखो कैसे कहता है, कहता है कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जो आपके पास ब्रिज कार्बन है उस ब्रिज कार्बन से आप नंबरिंग करना शुरू कीजिए, और आप उस नंबरिंग को लेके उधर जाइए जिधर से आपको बड़ा चेन मिल रहा हो, बड़े नंबर ऑफ साइकिल मिल रहा है, बड़ा नंबर ऑफ ब्रिज मिल रहा हो। अगर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा एक नंबर, तो इधर जाओगे दो तीन चार पांच, तो देखो तो इधर साइड में आपको चार कार्बन मिल रहा है, यहां से इधर भी जाओगे तो आपको इधर साइड में चार कार्बन मिल रहा है, और इस एक नंबर से इस पे चले जाते तो बीच में एक भी कार्बन नहीं मिलता, तो हम दोनों में से किसी साइड से चल सकते थे क्योंकि दोनों साइड में चार चार कार्बन मिल रहा है, कोई ब्रांच व्रांच भी नहीं है, तो कोई लोड नहीं है। तो ऐसे चले एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये हो गया दस। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देखो इसको बोलता है ऐसे, दस कार्बन अपने पास, बाईस साइक्लो है, तो सबसे पहले तो अपन वन डिग्री प्रीफिक्स लगाएंगे बाईस साइक्लो, लगा लिया। उसके बाद अपने पास दस है,
डिक सारे के सारे अल्केन ही है एन, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि ये लिखने के बाद लास्ट में एक डब्बा डाल के इसमें सारे ब्रिजेज पे जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको लिख देता है। बहुत बुक में क्या करता है कि 22 साइकिलों को बगल में ही लिख देता है। हम भी 22 साइकिलों के बगल में ही लिखेंगे, चाहो तो लास्ट में, चाहो तो डब्बा के, चाहो तो 22 साइकिलों के जस्ट बगल में लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चॉइस है। 22 साइकिल लिखा, इसके बगल में डब्बा बनाया, डब्बे में लिखते हैं अपन। इस ब्रिज पे देखो कितने कार्बन है, चार। इस वाले ब्रिज पे भी कितने हैं, चार, दो तीन चार और पांच। और अगर ध्यान से देखो तो इस वाले ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं है, जीरो है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर डॉट जीरो, और यहाँ पे जीरो लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आठ कार्बन अपने को दिख रहे हैं, दो कार्बन कौन से वाले हैं, ये दोनों जो कि ब्रिज पे नहीं है, इनको काउंट ब्रिज पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये ब्रिज कार्बन है पर ब्रिज के ऊपर नहीं है, ये कनेक्टिंग कार्बन है, फ्यूज्ड कार्बन से है, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा है इसका नाम, दैट इज डिकेन, ठीक है। चलो इसके बगल वाले का नाम लिखता हूँ, फिर से इस पर ध्यान देना। चलो तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कहीं दोनों में से दोनों सेमी कार्बन कोई फर्क नहीं पड़ना, एक नंबर। अब बड़ा कार्बन देखो, इधर चलेंगे तो अधिक नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, इधर चलेंगे तो कम मिलेगा। चलते हैं इधर, दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है। लेकिन इस आठ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके लिए हमने क्या नंबर दिया, नौ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक भी हो सकती है एक ब्रिज पे जाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नाम इसका लिखना शुरू करते हैं, बाईस साइक्लो डब्बे के अंदर में। इधर कितने कार्बन थे देखो, एक दो तीन चार, ठीक है, इधर थे एक दो और यहाँ पे था एक, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, फोर टू वन डब्बा बंद, नो नेन, चलेगा क्या? अभी फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, बाकी यहाँ तक सिंपल फोर टू वन के साथ है। फोर टू वन सर मेरे को जीरो और वन समझ में आया, रुक जा आ रहा हूँ मैं, सब पे आ रहा हूँ। फोर टू वन कैसे आया देखो, यहाँ पे जो ब्रिजेज है, इस ब्रिजेज को देखो, ऑडियो ऑन करो मैं समझा रहा हूँ। देखो एक नंबर जब चले तो इस ब्रिज पे देखो, एक दो तीन चार, चार कार्बन मिले, यस सर। इस वाले को देखो, ब्रिज का मतलब हुआ इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाले लाइन है वो ब्रिजेस काउंट हो रहे हैं, ठीक है। इस पे देखो एक दो, इस वाले पे देखो, ये वाले जो चीज है इस पे देखो एक, समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं सबको अलग अलग कलर दे रहा हूं, दो और इस वाले पे अपने पास एक, डन है क्या? देखो फोर रेड वाला, दो ग्रीन वाला, एक येल्लो वाला, डन है क्या? ओके सर। हाँ जी, और कोई जो अभी बोल रहे थे किसमें कैसे आया, फोर फोर जीरो, फोर फोर जीरो बताओ। देखो सर जीरो वाला, हाँ फोर तो समझ आ गया। देखो इधर देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, और ये बताओ ये भी तो एक ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज पे तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो अगर इस पे कोई कार्बन नहीं है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना ये चीज, जो भी दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो ब्रिज है, और उस ब्रिज पे कोई कार्बन नहीं है, तो इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ा, जीरो लिखना पड़ा, डन है क्या? यस सर, आ गया। कोई ऐसा इसको अभी भी इसमें दिक्कत है, फटाफट से बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको ट्राई करो। हाँ फटाफट से नेम लिखो, तो
बहुत बढ़िया बढ़िया रिशु, अंजलि, हरिओम, तारकनाथ, गुंजन, लगभग लोगों ने सही लिखा है। ठीक है, हेक्सेन वाले जो लोग हैं वो जरा फिर से ध्यान दें, बहुत लोगों ने हेक्सेन लिखा है, हेक्सेन वाले जरा ध्यान दें। हेक्सेन वाले ध्यान दें, ठीक है। चलिए मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ, सीधे सीधे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 चलेगा क्या? ठीक है, चलो नंबरिंग अपने को दिख रहा है तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा। बाईसाइक्लो टू टू डॉट टू डॉट वन ब्रैकेट बंद हेप्टेन। ठीक है, चलिए अगला वाला दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। सर दूसरे वाले में फोर नहीं हो गए, लेफ्ट वाले में? एक दो तीन चार पाँच छ, क्यों फोर होगा? 1 6 5 7 1 6 1 6 5 7 नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार कंटिन्यूटी तो चलेगी, एक जगह तो कंटिन्यूटी टूटनी थी, तो 1 2 3 4 5 6 6 तक गया, उसके बाद तो कंटिन्यूअस हो नहीं सकता था ना, तो यहीं पे तो 7 नंबर आता। मतलब ऐसे समझो ना कि दो ब्रिज कंटिन्यूअस जाते हैं, एक ब्रिज को टूटना होता है, एक ब्रिज के लिए आप 7 नंबर कार्बन दे ही नहीं सकते थे ना, तो आपको यहीं पे देना पड़ता। क्या दिक्कत हो रहा है फिर से बोलो, मेरे को अभी भी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। सर जैसे 1 6 5 7 ये भी तो होंगे ना, 4 1 6 5 7 इनके लिए 4 क्यों लिखा? नहीं ब्रिज कैसे, सॉरी सर 7 नहीं 4 1 6 5 4 1 6 5 4 नहीं, 1 और 4 को थोड़ी काउंट करते हैं, 1 और 4 तो ब्रिज कार्बन है ना। ये देखो इन दोनों को, इन दोनों को नहीं रखेंगे ना लिखने वक्त, हम लिखने वक्त बस इसको रखते हैं, जो ये नंबरिंग जो दे रहे हैं यहाँ, ये जो नंबर्स लिख रहे हैं वो ब्रिज वाले के लिए लिख रहा है, ये दो और ये एक, इन दोनों को थोड़ी काउंट करेंगे 1 और 4 वाले को, ये तो ब्रिज कार्बन है, मतलब फ्यूज कार्बन जिसको बोलते हैं, दैट इज फ्यूज कार्बन और 1 और 4। ठीक है, और ब्रिज पर वाले कार्बन है 6 5 2 3 और 7। ओके सर, चलो नेक्स्ट। कहता कि अगर इसमें ब्रांच आ जाएगा तो क्या करेंगे, सेम वही कहानी, कुछ नहीं फर्क पड़ना, नंबरिंग लगाओ, ब्रांचेस का कौन सा नंबर है वो नंबर, तो बात खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसमें नंबरिंग करते हुए बड़े चेन में जाएं या छोटे चेन में जाके ब्रांच पकड़े, नहीं, आपको बड़े चेन में ही जाना है, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगे चाहे ब्रांच लगे, आप नंबरिंग करते वक्त जब आप फ्यूज्ड कार्बन से निकलिएगा तो आप हमेशा जाइएगा बड़े चेन की तरफ, छोटे चेन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो चाहे ब्रांच लगाओ, फिर हो जाइए। आपको छोटे चेन की तरफ जाना ही नहीं है, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो कुछ भी हो।
टाइम काफी कम बचा हुआ तो मैं और बना के देता हूँ, टाइम नहीं बचे तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा इसको। सर ये एरो समझ नहीं आया इसमें, वो जो कौन सा ये वाला एरो? यस सर। ये ब्रिज है, ये बीच में एक कार्बन है, उस कार्बन से जुड़े हुए दो मिथाइल ग्रुप निकले हुए हैं, ठीक है? यस सर। चलो तो पहले वाले पे कर देता हूं मैं नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद अपने को दिख रहा है एक नंबर पे मिथाइल, पांच नंबर मिथाइल, छह नंबर पे मिथाइल, ठीक है? 1, 5, 6 पे मिथाइल हो गया अपने पास, तो हम इसको बोल सकते हैं 1, 5, 6 ट्राई मिथाइल। सर हाँ कर दी सर, 4, 5, 6 होगा, 5। अच्छा अच्छा, ओहो सॉरी, छूट गया, माय बैड, छूट गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 1, 6, 8 ट्राई मिथाइल बाई साइक्लो, तो मैं यहाँ साइड भी लिख देता हूँ। सर नंबरिंग तो साइड से होती है ना, जहां से उनको लोएस्ट नंबर मिले। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था बेटा कि जब हम 22 साइकिलों के नंबरिंग करते हैं तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से बड़ा साइकिल मिले, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें ब्रांच लगा है या फंक्शनल ग्रुप लगा है। हाँ अगर आपके पास कहानी ऐसी आ जाए कि दोनों तरफ से चलने पे ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप बराबर मिल रहे हैं, ऐसा हो जाए जैसे बगल वाला केस है, इसमें दोनों तरफ में से किधर भी चलो तो आपको नंबर ऑफ कार्बन सेम मिलेगा, फिर उधर चलोगे जिधर से आपको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मिले, तो इसमें हम प्रायोरिटी बोलो। सर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, ऐसे करते हैं ना जहाँ पे जो हमारा ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके सम को लोएस्ट हो जहाँ पर, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए ना नंबरिंग। क्यों क्लॉकवाइज होनी चाहिए सर? सर एक बार स्क्रीन मूव करना। हाँ, कर रहा सर। यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर 1, 2, 3 एक मिथाइल को 3 नंबर मिलेगा और एक मिथाइल को 5 नंबर, तो उनका तो सम होगा 8 होगा, और अभी हमें मिला है 8 और 6, तो इनका सम तो ज्यादा हो गया ना, तो कम वाले को देखते हैं पहले। तो ये समझो कि सम वाला रूल है ना, ये एक्चुअली सम वाला रूल लगता नहीं है, पहले तो मैं उस पे बाद में आऊंगा, ठीक है? सम वाले रूल पे भी आ जाऊंगा कुछ केस लेके, पर इसमें मैं समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा कि जब आप इसमें नंबरिंग करते हैं ना, तो आप इसको नंबरिंग करते वक्त एक बात जो ध्यान रखते हैं वो ये है, देखो यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रहता या नहीं रहता। हम इस केस में जब हम बाई साइक्लो करते हैं, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ये बाई साइक्लो की कहानी, जब हम बाई साइक्लो करते हैं तो हम उधर ही जाते हैं जिधर हमको ब्रिज पे अधिक कार्बन मिले। देखो इस ब्रिज पे मिल रहा है 1, 2, 3, 4, इस ब्रिज पे मिलने वाला है 1, 2, 3, हम उधर जाएंगे जिधर हमको ब्रिज पे अधिक से अधिक कार्बन मिले, डजंट मैटर कि उस पे ब्रांच जो आ रहा है वो पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आया मैंने क्या बोला अभी?
यस सर। हमको ना फंक्शनल ग्रुप ब्रांचेस से कोई लेना देना ही नहीं है, हमको उधर ही जाना है जिधर पे अपने को ब्रिज पे अधिक से अधिक कार्बन मिले, नंबरिंग उधर ही करेंगे, डन है क्या? चलिए अब उसके बाद आते हैं अपन कि भैया अब उसके बाद की कहानी कैसे चलने वाली है, ठीक है? अब ये नंबरिंग करा दिया, अब नंबरिंग में अपने को दिख रहा है कि एक नंबर पे मिथाइल, छह नंबर पे मिथाइल और आठ नंबर पे मिथाइल, बस बात खत्म। 1.6.8 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो नोनेन, ठीक है, और बाइसाइक्लो के अंदर ब्रैकेट के अंदर में 4.3.0 चलेगा क्या? चलो एक बार वो जो नंबरिंग वाली चीज है ना, मैं उसको समझाता हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करना इसको, इस वाले को घर पे ट्राई करना। हो गया सर, ठीक है, बहुत लोग आओगे, बहुत लोग का नहीं हुआ तो भी घर पे ट्राई करना। बेटा किसने बोला था वो सम वाली चीज, एक बार फिर से ऑडियो ऑन करना तो। यस सर। हाँ चलो ठीक है, तो बेटा मैं एक यहाँ पे केस दे रहा हूँ, आप मुझे बताना, दो मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा केस बनाने में टाइम लगेगा, तो एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ गुंजन ये बता बेटा कि इसमें नंबरिंग किधर चले, लेफ्ट से चले कि राइट से चले? सर राइट से। क्यों राइट से चलेंगे? चलो नंबरिंग करके देखते हैं राइट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर, पहला ब्रांच एक नंबर, दूसरा पहला ब्रांच एक नंबर। अच्छा अच्छा पहला छूट गया क्या? ओके 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 सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ब्रांचेज इधर से देखते हैं कितने कितने नंबर पे हैं। 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से अगर चले तो अपने पास आ रहा है 7, सॉरी नया नंबर करते हैं। और 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 हाँ बेटा बता राइट से क्यों चलें? सम टोटल सम करके तो लेफ्ट से ज्यादा आ रहा है सर, ज्यादा ब्रांचिंग की वजह से। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, तो अभी तो तुम ही बोली कि नहीं राइट से चलेंगे लेफ्ट से नहीं चलेंगे, जबकि सम तो मुझे बताओ कि सम लेफ्ट वाले में ज्यादा आएगा कि राइट वाले में ज्यादा आएगा, खुद ही सोच के बताओ मुझे। देखो जो सम वाला रूल है ना, ये सम वाला रूल ना एक्चुअली होता है क्या, मैं समझाता हूँ। सम वाले रूल पे दिमाग ही मत लगाया करो, हम दिखते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? देखो ऐसे पहले वाले ब्रांच को देखो, दो नंबर कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरे वाले ब्रांच पे आते हैं कि दूसरे वाले ब्रांच का पोजीशन क्या है। यहाँ देखो ये 3 नंबर और यहाँ देखो ये 2 नंबर, और हमें दिख रहा है कि अगर ये 3 नंबर है दूसरा वाला ब्रांच और ये दूसरा वाला ब्रांच अगर 2 नंबर है, तो हमें यहाँ पे समझ लेना पड़ेगा कि भैया यहीं पे डिफरेंस अपना क्रिएट हो गया, दिस इज द विनर। आगे अब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि आगे नंबर बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सम छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम सीधा देखते हैं कि भैया अगर पहला पॉइंट सेम है दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट सेम है तीसरे पॉइंट में, आओ बात खत्म। डन है क्या ये गुंजन? डन है ये? क्लियर सर। ओके चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी की सभा अपन यहीं पे विराम लगाते हैं और लेस सम चूज करते हैं ना भगवती, लेस सम भी चूज करेंगे ना तो भी चलो, लेस सम भी चूज करके मैं बता दूंगा एग्जांपल देके कि वो भी गलत हो जाता है। एनीवेज वो अगली क्लास में बात करेंगे, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं हम, ठीक है? नोट्स चलिए, हाँ बिल्कुल भेज दूंगा मैं, बिल्कुल भेज देना सर।